मध्य प्रदेश के लोग इन दिनों भारी बारिश की वजह से परेशान हैं। एक तरफ जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं दूसरी ओर निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई जगहों पर प्रशासन व्यवस्थाएं तो कर रहा है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी उसकी उदासीनता जारी है। ऐसी ही उदासीनता सामने आई है बैतूल जिले के उतीक गाँव में। यहाँ स्कूल जाने के लिए सड़क और पुल न होने से बच्चों ने सड़क नहीं तो साइकिल नहीं का नारा बुलंद करते हुए सरकारी साइकिलों को वापस करने का फैसला किया है। इस गांव में पुल और सड़क नहीं होने से तंग स्कूली बच्चे रोज 2 से 3 किलोमीटर का सफर पैदल और कमर तक पानी में जोखिम उठाकर तय करते हैं। इससे परेशान होकर उन्होंने शिक्षा विभाग की तरफ से दी गई साइकिलें वापस करने का फैसला किया है। बता दें कि सरकारी स्कूलों में बच्चे समय पर स्कूल पहुंच सकें, इसके लिए सरकार ने स्कूली स्टूडेंट्स को साइकिलें बांटी थी, लेकिन जब साइकिल चलाने के लिए सड़क ही ना हो तो साइकिल का वे क्या करेंगे। कलेक्ट्रेट में साइकिलें वापस करने पहुंचे बच्चों का कहना है कि वो समय पर स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल लेकर घर से निकलते थे, लेकिन सड़क नहीं होने से ज्यादातर दिन स्कूल लेट पहुँचते हैं। फिलहाल अब देखना तो ये है कि बच्चों के इस कदम के बाद जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है। न्यूज़ डेस्क।